हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे क्लास नाइन्थ के बुक का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मोशन। तो ये फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है क्लास नाइन्थ का और इसमें हम लोग डिटेल एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि इन आवर एवरीडे लाइफ वी सी वेरियस ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड अदर इन मोशन। हम लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, जैसे कि कुछ ऑब्जेक्ट उसमें से रेस्ट में होता है और कुछ ऑब्जेक्ट उसमें से मोशन में होता है। तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। तो रेस्ट वैसा एक स्टेट होता है जिसमें ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट से टाइम के साथ साथ अपने पोजिशन को चेंज नहीं करता है। और मोशन क्या होता है, तो व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज इज पोजीशन विद टाइम। अगर टाइम के हिसाब से, टाइम के साथ साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन, कोई अपना स्थान बदल रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं मोशन। जैसे कि हम लोग देखते हैं बर्ड फ्लाई, फिश स्विम एंड ब्लड फ्लो थ्रू द वेन्स एंड आर्टरीज। कुछ इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि जो बर्ड फ्लाई करते हैं, जो पक्षी उड़ते हैं, जो फिश स्विमिंग करती हैं और जो स्विम करती हैं, उसके बाद ब्लड हमारे जो वेंस और आर्टरीज जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनमें फ्लो करता है। तो ये सब क्या है, ये सब मोशन का ही एग्जांपल है। जैसे कि मोशन मीन्स क्या, मोशन मीन्स जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपना पोजीशन, अपना जगह, स्थान टाइम के हिसाब से विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर वो चेंज करता है तो उसी को कहते हैं मोशन। जैसे कि हम लोग देखते हैं, जैसे कि एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट्स, स्टार एंड गैलेक्सी ऑल आर इन मोशन। हम लोग देखते हैं एटॉम्स, मैटर किससे मेड अप होता है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट पार्टिकल्स से जिसको कहा जाता है एटॉम्स, तो एटॉम्स में भी मोशन होता है। और एटॉम्स से मिलकर क्या बना हुआ होता है, मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स में भी मोशन होता है। और हम लोग क्या देखते हैं, प्लैनेट्स, जो भी प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में हैं या फिर दूसरे भी जो प्लैनेट्स हैं, तो उन सब में मोशन होते रहता है। तो यूनिवर्स में जितने भी चीज़ हैं लगभग सब, तो सब में मोशन जो है वो होते रहता है। स्टार भी मोशन में है। अब जैसे कि सन, तो सन क्या है, एक स्टार है, तो सन भी मोशन में है। गैलेक्सीज भी मोशन में है, जैसे कि हम लोग किस गैलेक्सी में हैं, मिल्की वे गैलेक्सी में। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब किस में है, मोशन में है। और मोशन मैं आपको बता ही दिया हूँ, चेंजेस इज पोजिशन विथ टाइम, अपने टाइम के हिसाब से पोजिशन को चेंज करते रहते हैं। वी ऑफ्टन प्रिसाइव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन वेन चेंज इज पोजिशन विद टाइम। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग ऑब्जेक्ट को मोशन में कब कह सकते हैं, जब उसका पोजिशन टाइम के हिसाब से चेंज होगा, टाइम के साथ साथ उसका जब पोजिशन चेंज होगा तो उसको हम लोग मोशन में कह सकते हैं। हाउ एवर देयर आर सिचुएशन वेन द मोशन इज इन्फर्ड एज थ्रू द इनडायरेक्ट एविडेंस। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे भी सिचुएशंस होते हैं जिनमें हम लोग मोशन को डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं, डायरेक्ट उसका कुछ एविडेंस नहीं दे सकते हैं, उसको हम लोग को इनडायरेक्ट समझना होता है। जैसे कि एक एग्जांपल इसमें दिया हुआ है कि जो एयर का मोशन होता है, जो हवा का जो मोशन होता है उसको, जैसे कि एयर हम लोग तो देख नहीं सकते हैं एयर को, लेकिन एयर का मोशन हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। तो मोशन हम लोग को पता चलता है एयर का, कि एयर जो है उसमें मोशन हो रहा है, वो कैसे पता चलता है, तो वो हम लोग को पता चलता है मूवमेंट ऑफ डस्ट, क्योंकि एयर में क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। और जिस तरह से जब डस्ट पार्टिकल जब मूव करेंगे तो उससे हम लोग को पता चल जाता है कि अच्छा एयर में अभी मोशन हो रहा है। या फिर मूवमेंट ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, जैसे कि जब तेज हवा जब चलती है तो उसमें क्या होता है, जो भी पेड़ के पत्ते होते हैं उनमें मूवमेंट होने लगता है, और जो भी पेड़ की डालियाँ होती हैं उनमें मूवमेंट होने लगता है। तो ये सब चीज़ से हम लोग को पता चलता है कि मोशन हो रहा है एयर में। व्हाट कॉजेस ऑफ दिस फिनोमिना ऑफ सनराइज, सनसेट एंड चेंजिंग ऑफ सीजन। इसके पीछे का क्या कारण है, जो सनराइज होता है, सनराइज का मतलब क्या होता है, सनराइज मतलब सूर्योदय, और सनसेट मतलब सूर्यास्त, और चेंजिंग द सीजन, ये सब के पीछे क्या कारण है, जो सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, और चेंजिंग ऑफ सीजन, सीजन का बदलना, ये सब के पीछे क्या रीज़न है। तो ये सब के पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है, वो है मोशन। ये सब किसके चलते होता है, तो मोशन के चलते होता है। क्या लिखा हुआ, इट इज़ ड्यू टू मोशन ऑफ अर्थ। ये किसके चलते होता है, अर्थ के मोशन के चलते ये सब चीज़ में बदलाव आता है। इफ़ इट ट्रू, वाई डोंट वी डायरेक्टली प्रिसाइज द मोशन ऑफ द अर्थ। और इसीलिए जितना भी चीज़ हम लोग जैसे कि अर्थ पर हैं,
तो वो सब क्या है फिर, तब तो वो सब भी मोशन में है। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, ये सन है और इसके अराउंड ऑर्बिट पे यहाँ पे हमारा अर्थ है। तो अर्थ मोशन में है, इसका रेवोल्यूशन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थ पे जितना भी चीज़ है वो सब क्या, एक तरह से देखा जाए तो मोशन में है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं हम लोग। एन ऑब्जेक्ट मे बी अपियर टू मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर। इसमें क्या दिया हुआ है कि जैसे कि अब मोशन जो होता है ना वो बहुत सिंपल नहीं होता है, वो मोशन एक तरह का बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ होता है, बहुत जटिल होता है। कैसे? तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के लिए वो चीज़ क्या है, मोशन में है, और वहीं दूसरे व्यक्ति के लिए वो चीज़ क्या है, रेस्ट में है। ये कैसे? तो चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है फॉर द पैसेंजर इन मूविंग बस, एक मूविंग बस है, एक चलती हुई बस है, और उसमें के जो पैसेंजर हैं, जो यात्री हैं, उनके लिए द रोड साइड ट्रीज अपीयर टू मूविंग बैकवर्ड। उनके लिए क्या है कि जो भी रोड के साइड में जो भी ट्री हैं उनके लिए वो सब क्या है, मोशन में है, क्योंकि वो बैकवर्ड जा रहे हैं, वो पीछे जाते जा रहे हैं। लेकिन ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड एंड प्रिसाइड द बस अलोंग विद द पैसेंजर एज मूविंग। लेकिन अगर कोई पर्सन अगर रोड के साइड के से देख रहा है, रोड साइड से देख रहा है, तो उसके लिए इस बस में जो भी लोग हैं, ये बस और उसके साथ साथ पैसेंजर, ये सब क्या है, मोशन में है। तो जैसे कि अगर हम लोग बना लें, एक बस बनाते हैं हम, तो आइए अब हम ये जो भी ये पैराग्राफ में लिखा हुआ था उसको हमें भी एक सिंपलिस्ट फॉर्म में समझते हैं। इस पैराग्राफ में बताया क्या गया है, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि ये जो बस दिख रही है, अब देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी, जैसे कि ये बाहर खड़ा है, और तो ये जब बाहर से जब देखेंगे तो इनके लिए ये जो पैसेंजर जो बैठे हुए हैं बस के अंदर और जो बस है, ये दोनों क्या है, मोशन में है। इनको मोशन में दिखेगा क्योंकि भाई ये बस के साथ साथ पैसेंजर भी चल रहे हैं। लेकिन अब ये जब आदमी, अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले ये जैसे कि ये क्या है, हमारे पास बस है। अब बस में जो भी पैसेंजर जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं इनके लिए क्या है, ये जो ट्री है जो बस के बाहर है, ये बस आगे बढ़ रही है, तो इनके लिए क्या लग रहा है कि ये जो ट्री है ये मोशन में है। ठीक है, ये क्या है, मोशन में, ये बैकवर्ड जा रहा है, ये पीछे की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि अगर कोई आदमी बाहर से अगर अंदर देख रहा है तो इनके लिए ये सब मोशन में, लेकिन ये तो अंदर रेस्ट ही में है जो पैसेंजर बैठे हुए हैं। लेकिन वहीं अगर कोई अंदर से कोई बाहर की ओर देखता है, जैसे कि ये ट्री को कोई देख रहा है, तो उसके लिए ये ट्री क्या है, ये ट्री मोशन में है। तो आइए अब समझते हैं हम लोग क्या बुक में बताया जा रहा है। तो लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ मोशन आर कॉम्प्लेक्स, यहीं पे बात लिखा हुआ है कि मोशन क्या होता है, मोशन सिंपल चीज़ नहीं होता है, मोशन क्या होता है, मोशन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। सम ऑब्जेक्ट मे बी मूव स्ट्रेट लाइन और अदर टेक द सर्कुलर पाथ। कुछ जो ऑब्जेक्ट होते हैं मोशन में वो स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल करते हैं, जैसे कि यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर, ए से लेकर बी तक। लेकिन उसी के बाद, उसी के साथ कुछ जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं और कुछ सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल करते हैं। जैसे कि ये सर्कुलर पाथ हो गया, जैसे कि यहाँ से शुरू किया ए से और फिर यहाँ पे पूरा घूम के यहीं पर आ गए, तो ये क्या हो गया, ये सर्कुलेटरी मोशन हो गया। और सम में रोटेट, और कुछ क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, जैसे कि अगर हम लोग देखें तो ये हो गया ऑर्बिट और यहाँ पर हो गया सन और यहाँ पर क्या हो गया, अर्थ। तो अर्थ क्या कर रहा है, यहाँ पर रोटेट कर रहा है इसके, तो ये भी क्या एक तरह का रोटेट मोशन है। और क्या लिखा हुआ है, सम आर वाइब्रेट, और कुछ जो मोशन होता है जिसमें ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है। देयर आर सम सिचुएशन इन्वॉल्विंग कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, और कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसा भी सिचुएशन होता है जिसमें ये सब का कॉम्बिनेशन ही होता है, जैसे कि रोटेट भी होगा और वाइब्रेट भी होगा। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न, अब यहीं पर लिखा हुआ है कि हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट डिस्क्राइब द मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यहीं पर लिखा हुआ है कि इस चैप्टर में हम लोग केवल मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ने वाले हैं। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ, यही समझते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ। जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर ए पर है, पॉइंट ए पर है, और ये बी है, तो वो स्ट्रेट लाइन पे जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है, इसको लीनियर मोशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लीनियर मोशन।
और इसको क्या कहा जाता है, इसको और कहा जाता है रेक्टिलिनियर मोशन भी। तो इसका दो नाम है, और इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ मोशन इन स्ट्रेट लाइन को ही पढ़ने वाले हैं। और क्या दिया हुआ है कि थ्रू द सिंपल इक्वेशन, और इस चैप्टर में हम लोग इक्वेशन भी पढ़ेंगे मोशन के और ग्राफ भी पढ़ने वाले हैं। वी शैल लेटर डिस्क्राइबिंग द मोशन इन सर्कुलर पाथ, और हम लोग बाद में जो लास्ट टॉपिक है इस बुक का, चैप्टर का, वो क्या है, मोशन इन सर्कुलर पाथ। हम लोग जानेंगे कि सर्कुलर पाथ में किस तरह से मोशन होता है। अब जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है डिस्क्राइबिंग मोशन। मोशन को किस तरह से हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, किस तरह से मोशन को हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो ये है मोशन का किस तरह से वर्णन कर सकते हैं। तो वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग ए रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, पहले हम लोग को उसको समझना होगा। मोशन को हम लोग तभी बता सकते हैं जब हम लोग के पास एक कोई रेफरेंस पॉइंट हो। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर बताया गया है बुक में, क्या लिखा हुआ है, लेट अस टेक अंडरस्टैंड बाई एग्जाम्पल। हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। लिखा हुआ है कि लेट्स एज्यूम द स्कूल इन विलेज इज 2 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम रेलवे स्टेशन। मानना है आपको कि एक स्कूल है गांव में जो 2 किलोमीटर नॉर्थ है रेलवे स्टेशन से। तो वी स्पेसिफाई द पोजिशन ऑफ स्कूल विथ रिस्पेक्ट टू रेलवे स्टेशन। अब हम लोग क्या बताएंगे, जैसे कि अब अगर हम लोग को स्कूल का अगर एड्रेस बताना होगा तो हम लोग कैसे बता सकते हैं कि 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम रेलवे स्टेशन। अब और क्या दिया हुआ है, इन दिस एग्जांपल रेलवे स्टेशन इज़ ए रेफरेंस पॉइंट। और इस एग्जांपल में जो रेलवे स्टेशन है वो क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। तो कैसे रेलवे स्टेशन रेफरेंस पॉइंट है, तो इसका डेफिनेशन क्या होता है रेफरेंस पॉइंट का, कि रेफरेंस पॉइंट इज ए फिक्स पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, एक तरह का फिक्स पॉइंट होता है जो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट बताने में मदद करता है। जैसे कि आइए हम लोग इसको और अच्छे से समझते हैं। तो जैसे कि उस एग्जांपल में बताया गया था कि एक स्कूल है जो 3 किलोमीटर नॉर्थ है, कि कहाँ से, रेलवे स्टेशन से। तो हम लोग अगर स्कूल का अगर पोजीशन बताना होगा कि स्कूल का पोजीशन कहाँ पर है, तो हम लोग उसको कैसे बताएंगे, सबसे पहले तो हम लोग कोई एक फिक्स पॉइंट देखेंगे जहाँ से हम लोग उसका एक तरह से एड्रेस उसका बता सके। जैसे कि अगर हम लोग को भी किसी का एड्रेस बताना होता है तो हम लोग कैसे देखते हैं, कोई अगर उसके नज़दीकी कोई टेम्पल होता है तो उसका नाम वहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, या फिर कोई स्कूल होता है तो उसका नाम, या फिर रेलवे स्टेशन के पास होता है तो उसका नाम। तो ये सब क्या होता है, ये सब एक रेफरेंस पॉइंट है। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है जिससे हम लोग ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताते हैं। जैसे तो यहाँ पर क्या है, रेलवे स्टेशन क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट है जिससे हम लोग यहाँ पर स्कूल का पोजीशन बता रहे हैं। तो अब आगे होगा आपको समझ में। तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट है जिससे हम लोग ये स्कूल का पोजीशन बता पा रहे हैं, ठीक है। तो आगे क्या दिया हुआ है कि वी स्पेसिफाई, हम लोग स्कूल का पोजीशन तो चलिए हम लोग निकाल लिए, और क्या दिया हुआ है कि वी कुड चूज इन द रेफरेंस पॉइंट अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। हम लोग अपने हिसाब से, जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम लोग स्टेशन ही का एग्जांपल लेंगे रेफरेंस पॉइंट के लिए, हम लोग अपने हिसाब से रेफरेंस पॉइंट को बदल भी सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए ये आपका घर है और घर के बगल में ही कोई एक बहुत बड़ा सा मॉल है, तो हम लोग वहाँ पर रेफरेंस पॉइंट क्या ले लेंगे, मॉल ले लेंगे कि उस मॉल के बगल में लेफ्ट हैंड साइड में ये घर है। तो उस तरह से मॉल क्या हो गया, एक रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो रेफरेंस पॉइंट हम लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ले सकते हैं। देयरफॉर टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वी नीड टू सेटिस्फाई द रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। तो ओरिजिन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना है। तो ओरिजिन वो एक फिक्स पॉइंट होता है जहाँ से ऑब्जेक्ट का मोशन शुरू होता है। तो चलिए हम लोग ओरिजिन को भी समझ लेते हैं। जैसे कि मानिए कि ये यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, ठीक है, ये एक लड़का है, और इसका जो मोशन है वो शुरू होता है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, यहाँ तक। तो इसके यहाँ पर हम लोग ओरिजिन क्या, किसको कहेंगे, तो ओरिजिन हम लोग कहेंगे पॉइंट ए को। तो जिस पॉइंट से बॉडी का मोशन शुरू होता है उसी पॉइंट को कहा जाता है ओरिजिन। तो इस पार्ट तक यहीं तक, हम लोग अगला जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू। तो अगर आपको अच्छा लगा एक्सप्लेनेशन तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।